I am Sanjay Bhatnagar this side and I welcome you to my channel Economics by Sanjay Bhatnagar. उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी. सब्सक्राइब तो कर दिया होगा शायद, अगर नहीं करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार. मैं आज का जो टॉपिक आपको कराने जा रहा हूँ वो है जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग. भाई जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग बेसिकली क्या होता है? जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग पहली बार किसने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करा, इंट्रोड्यूस करा? तो हमारी कंट्री में दादाभाई नौरोजी थे जिन्होंने कि इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा. अच्छा, अब इसको जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्यों बुलाया जाता है भाई दादा? क्योंकि उस टाइम पर जो सिस्टम था वो इतना एडवांस नहीं था, उस टाइम पर बहुत सारा डेटा अवेलेबल नहीं था. तो दादाभाई नौरोजी ने क्या करा कि उन्होंने प्रिजन में जो जेल था, जेल में उन्होंने जो कैदी का मेन्यू होता है जिसमें कि रोज क्या क्या बनेगा वो निकाला कि एक कैदी पर ऑन एन एवरेज कितना खर्चा होता है, और उसकी जो भी मेन्यू था उसके प्राइजेस को निकाल कर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डिराइव करा, एक फॉर्मूला डिराइव करा जिसके बेसिस पर उन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाला. तो अगर हम, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ भाई. सपोज अगर हम मानते हैं कि कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है एक्स, और अगर एक बंदे की जो भी डाइट है वो है वन, मतलब टोटल पॉपुलेशन एक्स, टोटल डाइट वन. अब हमने क्या करा, हम पूरी कंट्री की पॉपुलेशन को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं. सो पहला पार्ट हो गया 1/3. ये जो भाई अगर हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसका जो पहला पार्ट है 1/3, हमने माना कि पूरी पॉपुलेशन का जो 1/3 है वो बच्चे हैं, वो सिर्फ छोटे बच्चे हैं. और उन 1/3 में से भी जो 1/3 का आधा पोर्शन है वो बहुत छोटे बच्चे, वो इन्फेंट है, उनका खाना पीना डाइट बहुत कम है, ना के बराबर, क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे हैं. तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम इस 1/3 को हाफ से डिवाइड करें हमारे पास आ जाएगा 1/6, और हम ये मान के चल रहे कि इनकी जो डाइट है वो निल है, मतलब ऑलमोस्ट निल है या ना के बराबर है. अब इस 1/3 के जो बाकी के आधे बच्चे हैं, आधे बच्चों का तो निकाल लें कि कोई खाना नहीं खाता, ये मान के चल रहे कि वो बहुत छोटे बच्चे हैं, लेकिन जो बाकी के आधे बच्चे 1/3 × 1/2, वो कितना खाना खाते हैं? वो एक पूरी यूनिट का, सपोज मान के चल रहे हैं कि एक डाइट एक के बराबर है, तो वो इसका मतलब है कि वो उसका आधा खाना खाते हैं. इसका मतलब क्या हो गया कि और जो बाकी की जो टोटल पॉपुलेशन है 1/3, तो हमने बच्चे मान लिए, जो 2/3 है वो एडल्ट हैं जो पूरी डाइट कंज्यूम करते हैं. अब हमने क्या करा, इस 1/3 का जो आधा था जिसमें से आधे बचे थे, मतलब 1/6 हो गया, टोटल पॉपुलेशन का 1/3 का भी आधा 1/6 हो गया जो कोई डाइट कंज्यूम नहीं करते. बाकी के जो बच्चे थे, जो बाकी के 1/6 बच्चे हैं वो एक डाइट का आधा कंज्यूम करते हैं. तो हमने क्या करा, 1/6 × 1/2 कर दिया, और बाकी की जो 2/3 एडल्ट हैं उसको हमने, क्योंकि वो पूरी डाइट कंज्यूम करते हैं, तो हमने क्या करा 2/3 × 1 कर दिया. अब हमने जब कैलकुलेशन करी भाई, 1/6 × 0 0 आ गया, 1/6 × 1/2 हमारे पास आ जाएगा 1/12 प्लस 2/3 × 1 2/3. तो ये तो पूरा जीरो हो गया, हमने जीरो ले लिया, ये हो गया 1/12, ये 2/3, जब हम इसको प्लस करेंगे आएगा 9/12 और 3/4. इसका मतलब क्या हो गया कि दादाभाई नौरोजी ने ये कंक्लूड करा इस कैलकुलेशन से कि एक एडल्ट डाइट का जो 3/4 है, जो जेल में कैदी लोग खाना खाते हैं उसका जो 3/4 है वो पॉवर्टी लाइन है, मतलब अगर कोई उस डाइट से भी कम कंज्यूम करता है तो हम ये मानते हैं कि वो बंदा पॉवर्टी लाइन के नीचे है, पर वो अगर इतना भी कंज्यूम कर पा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है.